खेमे से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर एक बेहद बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि बीते शनिवार को 7 अक्टूबर की शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कमलनाथ अपनी पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, ये स्थिति अब साफ की गई है कांग्रेस की तरफ से। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पितृ पक्ष के चलते कांग्रेस अभी अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं कर रही है। पितृ पक्ष के बाद उम्मीदवार सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों के नाम रहेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदवार लिस्ट जारी हो जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के कैंडिडेट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जहां एक तरफ बीती शाम ही कमलनाथ ने यह साफ किया कि जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कमलनाथ को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि कमलनाथ को विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस कमलनाथ को चुनाव लड़ाकर मैसेज देगी प्रत्याशियों को। मालूम हो कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब देखना यही होगा कि आखिरकार कमलनाथ को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।